نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون

और ना गड़मड़ करो ना खलत मलत करो मत मिलाओ हक को बातिल के साथ व तक का और ना छुपाओ हक को व अन तुम तमाम हालांकि तुम जानते हो वकीम उसा और नमाज क़ायम करो व आतु उसज़क़ाता और ज़कात अदा करते रहो वरकाउमार और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ इससे पिछली आयत में आप हजरात ने यह समात फ़रमाया था कि अल्लाह ताला ने यहूदियों से खिताब करते हुए फ़रमाया कि ईमान ले आओ उस चीज़ पर जो मैंने नाजिल की जो तस्दीक करती है उसकी जो तुम्हारे पास है और पहले पहले इनकार करने वाले ना हो जाओ मालूम ये हुआ कि खिताब जो है वो यहूदियों से चल रहा है कि यहूदियों को दावत दी जा रही थी कि ईमान ले आओ अब उनकी एक और बुरी खसलत को यहाँ से बयान किया जा रहा है कि उनमें बुरी खसलत ये थी कि वो हक को बातिल के साथ खलत मलत कर देते थे सही बात को ग़लत बात के साथ इस तरह से बयान करते थे कि आधी सही बात कर दी आधी गलत बात कर दी मुकम्मल गलत भी नहीं कि अगले बंदे को पता चल जाए कि यार ये तो बात ही गलत है और मुकम्मल सही भी नहीं करते थे लेकिन हक को बातिल के साथ खलत मलत करके ऐसे बयान करते थे कि अगला बंदा मुगालते में चला जाए उसको पता ही ना चले कि बात सही क्या है और बात ग़लत क्या है बात सही क्या है और बात ग़लत क्या है आगे फरमाया वाला तक तुम हक, व तक तो हक यहाँ पर लामजूफ़ है कि हक को ना छुपाओ कि या तो बाज़ात ऐसा होता था कि हक बात जब उनसे कोई पूछी जाती कोई सवाल पूछा जाता तो वो हक बात को छुपा लेते अन तुम तलामून और हालांकि तुम जानते हो यानी यहूदी जो थे वो इस बात को जानते थे भी कि जो हम बात कर रहे हैं ये गलत बात कर रहे हैं और हम हक़ को छुपा रहे हैं ये जान बूझ कर ऐसा करते थे ऐसा नहीं था कि दानिस्ता या फिर अनजाने के अंदर कोई ऐसी बात हो गई कि बंदे को मालूम ना हुआ हो किसी बात का पता ना चला हो और फिर उसने ऐसी कोई बात कर दी हो ऐसा नहीं था बल्कि मालूम होते हुए भी झूठ बोलते थे और बातों को ख़लत मलत करते थे अब ये खिताब तो है यहूदियों को ये आयत मुखातिब इसके कौन है भाई यहूदी लेकिन हम भी दरहक़ीक़त इसके मुखातिब हैं कुरान करीम तो हमारी किताब है और हमने भी अपनी ज़िंदगियों में देखना है कि क्या आया हम तो नहीं खलत मलत कर रहे बातों को आपस में तो हम खलत मलत क्या हम तो साफ़ ही झूठ बोल रहे होते हैं हम तो ऐसे झूठ बोल रहे होते हैं जिसमें सच्चाई बड़ी दूर दूर तक नहीं होती सच्चाई बड़ी दूर दूर तक नहीं होती तो ये हमें अपने अंदर इस बात को सोच लेना चाहिए कि आया हमारे अंदर तो नहीं यहूदियों की खसलतें हैं और हम में से हर बंदा इनफ़रादी इनफरादी तौर पर अपने अंदर देख ले एक तो है कौमी तौर पर देखना कौमी तौर पर देखेंगे तो फिर तो हर बंदा इस बात को मान लेगा लेकिन हमने अपने अंदर इंफरादी तौर पर इस बात को देखना है कि हमारे अंदर हमारे अपने अंदर तो ये बात नहीं आ चुकी जैसा कि पिछले सबक में भी आप रात के सामने ये बात अर्ज़ की थी कि रसोल सल्हलम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में यहूदियों की जो खसलतें हैं वो दोबारा लोट आएँगी और इस तरह से लौट आएँगी जैसे एक जूता दूसरे जूते की मुशाबत रखता है इसी तरह वो खसलतें जो यहूदियों की हैं वो मेरी उम्मत में इस तरह से आ जाएंगी यानी बिल्कुल वैसी ही वो खसलतें आ जाएँगी अब इसका यह मतलब नहीं है कि हम में से कोई बंदा यूँ कहना शुरू कर दे कि भाई न, जब जब नबी अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया तो अब हमारे अंदर वो आनी ही आनी है तो अब हम उसकी फ़िक्र ना करें नहीं ये बात नहीं है बल्कि ये तो है कि अलर्ट कर दिया है किसी बात से वार्निंग दे दी है तो जब किसी बात से अलर्ट कर दिया जाए ख़बरदार कर दिया जाए तो उस बात से बचना लाजमी हो जाता है तो हमें भी इस बात से बचना हमारे लिए लाजमी है हम क्या देखते हैं कि अगर हमसे तो कोई बंदा कारोबारी सिलसिले में कोई बात पूछ ले ना कारोबारी सिलसिले में बात पूछ ले और हम खुद वो कारोबार कर रहे हों तो अमूमन यूँ होता है कि उसको सही बात नहीं बताई जा रही होती उसको गलत मशवरा दिया जा रहा होता है उसको इस तरह से मशवरा दिया जा रहा होता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि कल को मुझे ही क्रॉस कर दे समझ रहे हैं भाई कल को मुझे ही क्रॉस कर दे तो ये जो बातें हैं ये सारी बातें देखें वाला हक का बातिल के हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ सही बात को ग़लत बात के साथ ना मिलाओ सही जो बात है दुरुस्त जो बात है उसी को बयान किया जाए इमाम राज़ी रही तमाम जहरी रही तयत में इस आयत की तफसीर में एक वाक़ा नक़ल किया है इमाम अबू हाजिम रही का इमाम अब रहमतुल्लाह ताला जो हैं ताबई ताबी उस शख़्स को कहते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी साहबी शख्स को देखा हो किसी साहबी को देखा हो उसको ताबी कहते हैं सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह ताला ये बादशाह थे एक मरतबा मदीना मुनवरा तशरीफ़ लाए मदीना मुनवरा तशरीफ़ लाए और इमाम जोहरी रही तरियाफ्त किया कि क्या कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसने किसी साहबी को देखा हो तो इमाम जहरी ने जवाब दिया कि हाँ इमाम अबू हाजिम रही ती हैं जिन्होंने सहाबी को देखा है और वो ताबी हैं तो ये सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह थे उन्होंने उनको कहा उनको पैगाम भिजवाया भिजवाया कि उनको मेरे पास बुलाया जाए उनको मेरे पास बुलाया जाए तो इमाम अबू हाजिम रही तब सलेमान बिन के पास तशरीफ़ लाए तो सुलेमान बिन मलिक ने कहा कि भाई ये क्या बेवफाई है ये कैसी बेमुरवती है कि हम यहाँ पर आए और आप हमसे मुलाकात के लिए ना आए बादशाह जो थे बादशाह के अपने टोर होते हैं भाई अब बादशाह साहब क्या, क्या कह रहे हैं कि ये कैसी बेवफाई है कि मैं इस शहर में आया हूँ और आप मुझसे मुलाकात के लिए नहीं आए इमाम अबू हाजिम ताला ने जवाब दिया कि ना तो इससे पहले मैं आपसे कभी मिला हूँ और ना आप इससे पहले मुझसे कभी मिले हैं गोया ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं तो फिर मुलाकात का सवाल कैसा जब मुलाकात का सवाल कैसा तो बेवफाई कैसी भाई मैं ना आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं तो अगर मैं मिला नहीं तो बेवफाई कैसी सही है भाई देखें ओलामा आलिम अल्लाह वाले उनका बादशाहों के साथ कोई ताल्लुक नहीं बादशाह आया तो उन्होंने कहा भाई मैं आपको जानता नहीं आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपकी मजलिस में क्यों हाजिर हो जाऊँ मैं आपकी मजलिस में क्यों हाज़िर हो जाऊं अब बादशाह साहब को ये बात बड़ी नागवार गुजरी उसने जब देखा मजलिस में इधर उधर तो इमाम जहरी रही ने फरमाया कि इमाम अबू हाजिम ने सही फ़रमाया है कि जब वो आपको जानते नहीं तो मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता मुलाकात तो उससे की जाए जिसको बंदा जानता हो अब अगर कोई शख्स कोई नामवर शख्स आ जाए और हम मारे मारे उससे मुलाकात के लिए फिर रहे हों तो लाजमी बात है कोई लालच कोई तमा होगा जिसकी वजह से कुछ फिर रहे हैं खैर उसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अगला सवाल किया कि अच्छा ये बताएं कि हम मौत से क्यों घबराते हैं आज हम मौत से क्यों घबराते हैं इनमें हर हर सवाल जो है वो हमारे लिए एक सबक आमोज सवाल है और सबक आमोज जवाब मिलने वाला है क्या सवाल कर रहे हैं कि बताएं हम मौत से क्यों घबराते हैं इमाम अबू हाजिम उस बादशाह को जवाब दिया कि हम मौत से क्यों घबराते हैं इसलिए कि आपने मौत की तैयारी नहीं की मौत यानी आखरत को आपने वीरान रखा और दुनिया को आपने आबाद कर रखा है आखरत को आपने वीरान कर रखा है और दुनिया को आपने आबाद कर रखा है तो आबादी से वीराने में जाने से बंदा घबराता है आबादी से मिसाल के तौर पर हम यहाँ शहर में हैं हमें कोई कहे कि भाई जंगल में जा बसो तो जाहरी बात है वीराने में जाने से तो डर लगता है तो आखरत को हमने वीरान कर रखा है इस दुनिया को हमने आबाद कर रखा है यही वजह है कि हम मौत से डर रहे हैं कि हम आखरत में जाने से डर रहे हैं कि आखरत को हमने वीरान कर रखा है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इसको तस्लीम किया और अगला सवाल किया कि अल्लाह ताला के सामने हाजरी कैसे होगी अल्लाह ताला के सामने हाजरी कैसे होगी तो फरमाया कि अल्लाह ताला के सामने सामने हाजरी ऐसे होगी कि जो शख्स नेक होगा वो तो अल्लाह के सामने ऐसे हाजिर होगा जैसे कोई शख्स मुसाफिर हो मुसाफिर सफ़र पर चला जाए अब सफ़र से जब वापस लौटे सफ़र से जब वापस लौटे तो अपने घर वालों के पास वो बखुश बाखुशी लौटता है अपने घर वालों के पास क्या होता है भाई बाशी लौटता है और बुरे अमल करने वाले की हाजिरी ऐसे होगी जैसे कोई ग़ुलाम हो गुलाम वो अपने आका से भाग जाए अब उस ग़ुलाम को पकड़ के लाया जा रहा हो तो जब ग़ुलाम को पकड़ के लाया जा रहा है तो वो ग़ुलाम घबराया हुआ होगा कि हाय अब क्या बनेगा अब मेरा आका मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? तो यही हमारी हालत है कि अगर हमने नेक आमल किए होंगे तो फिर अल्लाह के हुजूर हम हाजिर होने से घबराएंगे नहीं बल्कि ऐसे ही होगा जैसे कोई शख्स सफ़र से वापस अपने घर वालों के पास लौटता है तो उसको खुशी होती है लेकिन अगर हमने बुरे आमल किए होंगे और हमारे आमाल नामे में सारे अमल ही बुरे होंगे धोखा होगा झूठ होगा फ़्रॉड होगा दूसरों को तकलीफ दही होगी तो फिर हमें यूँ घबराहट होगी जैसे कोई गुलाम जब पकड़ के लाया जा रहा हो तो वो अपने आका के सामने हाजिर होने से घबराता है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये बात सुन के रो पड़े ये बात सुन के रो पड़े और अगला सवाल किया और बल्कि अगली ये बात की कि काश मुझे, मुझे मालूम हो कि आखिरत में मामला क्या होने वाला है आखरत में हमारा मामला क्या होने वाला है अब अज़म ने फरमाया कि अपने आमाल को क़ुरान करीम पर परख लो अपने आमाल को कुरान करीम पर परख लो कि ये बात एक धोखा दही है कि हम यूँ कहें कि हमें नहीं मालूम कि आख़रत में हमारे साथ क्या होने वाला है कि हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ आखरत में क्या होने वाला है तो इमाम अबू हाजिम ने क्या फरमाया कि अपने आमाल को कुरान पर करीम परख लो उन्होंने कहा कुरान करीम की कि किस आयत पर मैं अपने अमाल को परख लो जवाब इस शाद फरमाया किन करीम की इस आयत पर अपने अमाल को देख लो इन अबरार लफ़ी नाईम व अनफुजारफ़ी जहीम के अनबरार बेशक नेक लोग जो होंगे लफ़ी नाइम व न्यामतों में होंगे व अनफुजार लफी जहीम और बेशक जो गुनागार लोग होंगे लफ़ी जहीम व जहनुम में होंगे आज हम में से हर शख्स ये बात समझ सकता है कि हमारे नेक आमाल कितने हैं और हमारे बुरे आमाल कितने हैं अगर तो हमारे नेक अमाल ज़्यादा हैं तो अल अबरार लफ़ी नाइम फिर हमारा हशर जो है वह लफ़ी नाइम न्यामतों में होगा और अगर हमारे बुरे आमाल ज़्यादा हैं तो भाई फिर हमारा अशर जो है वो जहीम जहन्नुम में होगा सुलेमान ने फिर अगला सवाल ये किया अगली बात ये बोली कि भाई अल्लाह की रहमत जो है ये तो बदकारों पर भी है अल्लाह की रहमत बदकारों पर भी है जिस तरह आज हमारे बाज़ मुसलमान ये बात आपको कहते हुए मिलेंगे कि भाई अल्लाह ताला बड़े रहीम हैं करीम हैं वो हम गुनहगारों को भी बख्श देंगे अच्छा इस बात इसमें शक नहीं है कोई कि अल्लाह ताली बहुत रहीम है करीम है शक नहीं है कोई लेकिन इस बात को कह कर ये सहारा लेना गुनाह का कि ये बात कहकर गुनाहों की तरफ बंदा चला जाए ये बहुत बड़ी एक कम अकली और ना समझी की बात है तो इमाम अबू हाजिम ने जवाब दिया कि इन्ना रहमत ही करीब मिनलमसिन अल्लाह की रहमत तो है लेकिन अल्लाह ताला फ़रमा रहमत ही बेशक अल्लाह की रहमत करीब उमिनी महसिन यानी नेक कारों के करीब है नेको कारों के करीब है तो हमें चाहिए कि नेकी की तरफ रागिब हों ना कि इस बात को लेकर गुनाह की तरफ चले जाएँ गर्ज़ और कई सवालात किए फिर आखिर में उन्होंने एक, एक ये सवाल किया कि अच्छा मुझे मेरे बारे में बताएं और भी कई सवाल किए लेकिन हम वक्त चूँकि कम है बात को ख़त्म करते हैं आखिर में ये सवाल किया बादशाह साहब क्या सवाल कर रहे हैं कि अच्छा मुझे मेरे बारे में बताएं कि मैं कैसा हूँ कि मैं कैसा हूँ बादशाह सवाल कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इमाम अबू हाजिम ने जवाब दिया कि बादशाह जी ये बात आप ना ही पूछें तो बेहतर है माफ़ करें आप मुझे इस सवाल से ये सवाल आप मुझसे ना पूछें लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने ज़ोर दिया और कहा कि नहीं आप मुझसे बताएं और मुझे कोई नसीहत करें मुझे कोई नसीहत करें इमाम अब हाजिम रही ताला ने फरमाया ए अमीराम आपके आबाजाद ने तलवार के ज़ोर पर और ज़बरदस्ती लोगों के खिलाफ अपनी हकूमत कायम की तलवार के ज़ोर पर ज़बरदस्ती लोगों के खिलाफ अपनी हकूमत कायम की है काश आपको मालूम होता कि जिन जो आपके अजदाद ने ऐसा किया तलवार के ज़ोर पर हुकूमत कायम की अब मरने के बाद उनके साथ क्या हो रहा है अब मरने के बाद उनके साथ क्या हो रहा है अब ये डायरेक्टली बादशाह साहब को हिट किया जा रहा है ना कि आपने जो ये हुकूमत क़ायम कर रखी है ये ज़बरदस्ती कायम कर रखी है आपने भी मर जाना है काश आपको मालूम होता कि मरने के बाद क्या होगा हाजरीन मजलिस के अंदर मजलिस में मौजूद एक बंदा वो बोला कि अबू हाजिम तूने गलत बात की तूने गलत बात की क्या मतलब वो बादशाह की ज़रा चपकलूसी करने वाला था ना बादशाह की खुशामद करने वाला था बादशाह को खुश करने वाला था तो उसने क्या कहा अबू हाजिम तुमने गलत बात कही तो अबू हाजिम ने कहा कि नहीं मैंने गलत बात नहीं की मैंने हक़ को नहीं छुपाया मैंने हक़ को नहीं छुपाया बल्कि जो दुरुस्त बात थी मैंने वो दुरुस्त बात बोली मैंने वो दुरुस्त बात बोली तो यही आयत है कि वाला हक का बिलबा गिली के हक को बातिल के साथ गड़मट मत करो व तक तुम हक का और ना ही हक को छुपाओ और ना ही हक को छुपाओ व वन तुम तालमून इस हाल में कि तुम जानते हो इस हाल में कि तुम जानते हो कि हक बात क्या है तो आज हमारे अंदर हमारे लिए इस बा इस आयत में एक सबक है हमारे यहाँ तो क्या होता है कि अगर हम किसी की नौकरी करने वाले हों ना नौकरी कर रहे हो नौकरी मुलाजमत कर रहे हों और हमसे वो कोई यूँ दरिया कर ले हमसे वो यूँ दरियाफ्त कर ले कोई बात तो हम उसको खुश करने के लिए उसकी जो ख़ुशी की बात होगी वो जवाब दे देते हैं इसी तरह हमारे अलामा अल्लाह माफ़ करे हमें अल्लाह ताला हमको उन उनमा में या उनम वालों में शामिल ना करे जो बाज़ात क्या होता है हमारे कमेटी मम्बरान जो, जो मस्जिदों के मुतवली हजरा हैं अल्लाह ताली उनको भी हिदायत दे जो के ऊपर प्रेसरइज़ होते हैं हमेशा प्रेसर डाल के रखते हैं अब वो भी बेचारे मजबूर मजबूरी के तहत कि अगर हमें यहाँ से निकाल दिया तो पता नहीं रोज़ी नहीं मिलेगी जबकि रिक का जिम्मा अल्लाह ने उठा रखा है धक का ज़िम्मा अल्लाह ने उठा रखा है तो वो भी बाज़ात क्या होता है मुतवियों को खुश करने के लिए बाकी नमाजियों का भी दिल तोड़ तोड़ बैठते हैं और गलत बयानी कर जाते हैं गलत बयानी कर जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम में से हर मुसलमान हर मुसलमान के लिए ये आयत जो है ये उसको ख़िताब कर रही है हर मुसलमान के लिए बाज़ात ऐसा होता है बाज़त ऐसा होता है हज़ारों मिसालें हैं हज़ारों चंद मिसालें दे सकता हूँ बस कि किसी रिश्तेदार का किसी रिश्तेदार का अपने रिश्तेदार अपने बरादरी की कोई केस चल रहा हो ना केस चल रहा हो अब पंचायत में हमसे अगर पूछ लिया जाए पंचायत में हमसे गवाही ले ली जाए तो हम उस गवाही में गड़मड़ कर जाएंगे समझ रहे बात उस गवाही में गड़बड़ कर जाएंगे सिर्फ़ अपने रिश्तेदार या अपनी बरादरी वाले को बचाने के लिए तो ऐसा हरगिज़ ना किया जाए चाहे हमारा रिश्तेदार हो या हमारा वालिद साहब हो या हमारे भाई जान हो तो जब हम हमसे अगर कहीं किसी मौके पर गवाही तलब की जाए तो हमने गवाही देनी है हक के साथ हमने गवाही देनी है हक़ के साथ फिर हक़ को छुपाना नहीं है फिर हक़ को बातिल के साथ गड़मट नहीं करना बस यही आयत जो है हमें आज ये दरस दे रही है बाखिर दावाना अनिलदिल्ल रबालमीन आमीन अलाकबात या 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 जी हम सबको मुआफ़ फरमा यह जी हमारी बख्शिश फरमा यह जी हमारी बख्शिश फरमा